आध्यात्म को क्या समझते हैं कि ये तो मूर्खों का टोला है, कुछ ना करने के लिए बहाने ढूंढने वाले लोग हैं और निकम्मे हैं, नाकारा हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आध्यात्म होता क्या है। आध्यात्म वो खोज है जो केवल मात्र मान लेने से नहीं होता, वो जान लेने से होता है, खोजने से होता है। यानी आध्यात्म वो रिसर्च सेंटर है जहां पर खोजें की जाती है। हमारे ऋषि मुनियों को देखो, विश्वामित्र जी को देखो, पुलस्त को देखो, पुलह को देखो, केतु को देखो, वेदों के ऋषियों को देखो, परमाणु के खोजने वाले ऋषियों को देखो, मिसाइल की खोज करने वाले ऋषियों को देखो, ब्रह्मास्त्र की खोज करने वाले लोगों को देखो, ये कौन थे? कबीर को देखो, नानक जी को देखो, कौन थे ये लोग? शंकराचार्य को देखो, क्या आपको ये लोग निकम्मे, नकारा, अनपढ़, गंवार, मूर्ख, अज्ञानी कहीं से लगते हैं क्या? किसी भी एंगल से कभी भी, जिनको आप बहुत पढ़े लिखे लोग मानते हो ना, नासा के लोग, वो इनके पैरों को खोजते हुए घूम रहे हैं कि ये कहां से निकल करके गए हैं, कैसे निकल करके गए हैं, क्या इन्होंने लिखा है, क्या इन्होंने बोला है। एक एक शब्द जो वेदों के अंदर है ना, उठा उठा करके एक एक शब्द के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कौन थे ये लोग? हमारे राम जैसे, हमारे श्री कृष्ण जैसे? कहां से आए थे ये लोग? क्या किया इन्होंने अलग से? क्या उठाया इस प्रकार से? कैसे लगते हैं ये लोग आपको? आपने वो लोग देखे हैं जिन्होंने काले पीले वस्त्र पहने, कभी हनुमान बन के उड़ने लगे, कभी शिव का भेष धारण किया, कभी आपकी गाड़ी में बैठे गंगा निकल आई और ऐसे किया और हजार दो हजार रुपये लूट लिया आपके। आपने वो लोग देखे हैं, वो आध्यात्मिक लोग नहीं हैं। आप रेलगाड़ी से उतरे, स्टेशनों पर मिल गए, ऐसे उठाए हुए घूमते हुए मांगते हुए। आप बस स्टैंड से उतरे, वहाँ मांगते हुए मिल गए। कभी कोई लाल वस्त्र पहने हैं, कोई पीला वस्त्र पहने हैं, कोई काला वस्त्र पहने हैं, कोई वस्त्र नहीं डाले हुए है, कोई बीड़ी पीता हुआ घूम रहा है, कोई सुल्फा पीता हुआ घूम रहा है। ये लोग आपने देखे हैं, ये आध्यात्मिक लोग नहीं हैं, ये आध्यात्म का ए भी नहीं जानते। और आप अगर इनको आध्यात्मिक मानते हो तो आप भी आध्यात्म को नहीं जानने वाले। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं जी हमारा लड़का पढ़ेगा भी। मैं कहता हूँ पढ़ने से कौन रोक रहा है? नहीं जी हमारे तो एक ही लड़का है। घबराते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें भय है अंदर में कि हमारा लड़का कहीं बाबा बाबा न बन जाए, उनके चक्कर में न पड़ जाए, कहीं हमारे लड़के को मतलब देख करके इनको कन्वेंस न कर ले, ये उनसे कन्वेंस न हो जाए, विचारों पर ना चलने लगे। अरे अभी तो हम ही बाबा नहीं बने हैं, जब हम ही नहीं बने हैं तो उनको कैसे मनाएंगे। हाँ आध्यात्म के बारे में अगर कोई खोज करने वाला हो, किसी को आध्यात्म की खोज की आवश्यकता हो, परमात्मा की आवश्यकता हो, वो विषय अलग है। हम उसको जहाँ तक खोजेगा, जहाँ तक वो चाहेगा, वहाँ तक हम उसको लेकर के जाएंगे। तो ये जो आध्यात्म का जो भ्रम पैदा कर दिया गया ना, जो आपके अंदर में भय पैदा हो गया, ये अज्ञान के कारण है, ये नासमझी के कारण है, ये नादानी के कारण से है, ये हमारे वेदों का गलत प्रचार प्रसार हुआ उसके कारण से है, ये जो चल रहा है ना आजकल ये गुरुओं का खेल, और जो ये हर गांव में दो चार गुरु बने बैठे हैं, इधर उधर से बाबा बाबा आने वाले, रोर जटा बढ़ाने वाले और कहीं तेल डल रहा, ये जो चल रहा है ना लेन देन का जो व्यापार, अपना घर चलाने के लिए ये धंधा टाइप का आध्यात्म जो बना दिया है ना लोगों ने, आप इसको आध्यात्म मानते हो क्या? कि गए गर्दन घुमाई, दो बात बताई, एक पूछा करी और आध्यात्मिक हो गए। अरे कहाँ, आध्यात्म का तो खेल ही अलग है।
आध्यात्म का अर्थ है खोज लेना, प्राप्त कर लेना, परमात्मा तक पहुंच जाना। ये बड़ी श्रेष्ठ बात होती है कि हमारे जितने ऋषि मुनि हुए ना, सब ने गृहस्थ के साथ, समाज के साथ, जीवन के साथ, साइंस के साथ, ब्रह्मांड के साथ, परमात्मा के साथ और बच्चों के साथ, प्रकृति के साथ, सबके साथ इतना तालमेल बना करके चले हैं ना, और उदाहरण बन गए वो लोग। तो इसी तालमेल बनाते हुए परमात्मा तक ले जाने का नाम ही आध्यात्म है। तो जो भी सीखोगे, जो भी चलोगे इसी मार्ग से लेकर के और वहां तक पहुंचने वाले लोग, वही लोग आध्यात्म तक पहुंचते हैं, परमात्मा तक पहुंचते हैं और आध्यात्म का सही मायने में अर्थ को जानते हैं।